नाउ बर्नौलीज़ थ्योरम पर तमाम एप्लीकेशंस हैं. वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज वेंचुरी मीटर. वेंचुरी मीटर क्या चीज़ है? वेंचुरी मीटर इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज़ थ्योरम बाय विच वी कैन नो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए ट्यूब. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर मेजर करना है तो हम वेंचुरी मीटर को यूज करते हैं. क्या चीज़ है वेंचुरी मीटर? आप देखें यहाँ पर, ये देखिए एक्स वाई एक ट्यूब है, ये बीच में पतली है और यहाँ पर एक्स पर हमने एक वर्टिकल ट्यूब खड़ी कर दी और जेड जो ये नैरो है यहाँ पर एक वर्टिकल ट्यूब खड़ी कर दी. यहाँ से लिक्विड इंटर कर रहा है, यहाँ से लिक्विड इधर जा रहा है. पॉइंट एक्स पर इसकी वेलोसिटी वी वन है, पॉइंट जेड पर वेलोसिटी इसकी वी टू है. याद रहे ये क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वेलोसिटी कम होगी, और ये क्रॉस सेक्शन कम है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी. काहे से कहोगे? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से. आइए इसका वर्णन करते हैं. और हाँ, ये वर्टिकल ट्यूब्स में ये वाटर यहाँ तक फ्लो किया, राइज किया, और इसमें यहाँ तक राइज किया. दोनों में जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो एच हाइट के बराबर है. तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखें. इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब एक्स वाई हुज मिडिल पॉइंट मिडिल पार्ट जेड इज नैरो. इट इज ज्वाइंट विद टू वर्टिकल ट्यूब्स एट एक्स एंड जेड. ये दो वर्टिकल ट्यूब खड़ी कर दी. दिस मीटर इज कनेक्टेड विद द ट्यूब इन विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज टू बी डिटरमाइंड. इस मीटर को वहाँ कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पर हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर नापना है. अब देखें, सपोज ए वन एंड ए टू आर द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ए वन एंड ए टू, एंड बी वन एंड बी टू द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर बी वन एंड बी टू, एंड पी वन एंड पी टू द प्रेशर्स एट एक्स एंड जेड रिस्पेक्टिवली. नाउ अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम लगा रहे हैं पॉइंट एक्स और जेड पर. तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से ए वन बी वन इज ए टू बी टू. सो ए वन अपॉन ए टू इज बी टू अपॉन बी वन. अब इन्हीं एक्स और जेड पॉइंट पर हम लगा रहे हैं बर्नौलीज़ थ्योरम. तो बाय द बर्नौलीज़ थ्योरम एट पॉइंट एक्स एंड जेड पी वन प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर इज पी टू प्लस हाफ रो बी टू स्क्वायर वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो पी वन माइनस पी टू इज हाफ रो बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर. सो हाफ रो बी वन स्क्वायर कॉमन लिया तो बी टू स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर माइनस वन. सो हाफ रो बी वन स्क्वायर, और ध्यान से देखिए अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि बी टू अपॉन बी वन इज ए वन अपॉन ए टू. सो बी टू स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर इज ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन. तो हाफ रो बी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर. ये रहा पी वन माइनस पी टू. इफ एच इज द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ वाटर इन द वर्टिकल ट्यूब्स, एच एच का डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस पी वन माइनस पी टू होगा एच रो जी. तो आइए यहाँ लिखें पी वन और पी टू की जगह एच रो जी इज हाफ रो बी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर. तो बी वन स्क्वायर हो गया, ये रो रो कैंसिल हुआ, ए टू स्क्वायर टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर. सो बी वन इज ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर. इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, ए सेकेंड बहने वाला जो वॉल्यूम है, अगर सिंबल हम क्यू लें तो क्यू बराबर होगा ए इंटू बी. तो क्यू बराबर हुआ ए वन, क्यू बराबर हुआ ए वन बी वन. तो ए वन और बी वन की जगह लिखा ए टू अंडर रूट टू जी एच वन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर. या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू पूरे में लगा दीजिए अंडर रूट टू जी एच ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर अपान ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर. इस तरह से भी याद रख सकते हैं. और याद रहे दिस इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब अपान सेकेंड.